हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर संडे व्लॉग। आप सबकी बहुत डिमांड रहती है व्लॉग्स के लिए, तो लीजिए आज फिर एक बार शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना बहुत ही सिंपल सा दिन। आज बहुत दिनों के बाद डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए माली से गार्डन क्लीन करवाया। इससे पहले कि माली गुलाब की कटिंग करता, मम्मा ने गुलकंद बनाने के लिए सारे गुलाब उतार लिए और वीडियो के एंड में आप देख पाएंगे कि मम्मा ने गुलकंद कैसे बनाया था। अंदर उदय को फ्रूट खाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है क्योंकि फ्रूट के मामले में बहुत चूजी है, बहुत ही सिलेक्टिव फ्रूट्स खाता है। और मैं यहाँ पे लॉन्ड्री का लोड लगा रही हूँ। इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। जब तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होगा तब तक कपड़े धुल चुके होंगे। किचन नैपकिन को अलग से हॉट वाटर में डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा डालकर अगर आधे एक घंटे के लिए सोक कर दिया जाए तो वो ईजिली क्लीन हो जाते हैं। आज संडे है तो संडे के ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे और साथ ही मैंने सेमिया की खीर बनाई है। और क्योंकि आज संडे है तो नो वर्कआउट डे है, आज अपनी बॉडी को रेस्ट देती हूँ मैं। सो नो वर्कआउट नो योगा, आज सिर्फ चीट मील होगा। और वीक के 6 डेज में मीठा नहीं खाती हूँ तो आज मीठे में कुछ खाऊंगी तो वही मेरा चीट मील होगा। सुबह उठते ही मैंने आलू बॉईल कर दिए थे और सारे मसाले वगैरह डाल के पराठों का मिक्सचर भी रेडी कर दिया था। लेकिन पराठे बनाना शुरू तभी करती हूँ जब सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि आलू का पराठा ठंडा कोई भी खाना नहीं चाहता। स्पेशली हमारे घर में उदय प्रताप सिंह हैं जो बिल्कुल तवे से उतरता हुआ पराठा खाते हैं। उसका कहना है कि तवे से उतर के पराठा सीधा मेरी प्लेट में आना चाहिए, अगर वो कैसरोल में चला गया तो वो पराठा मेरा नहीं है। तो बस सब लोग टेबल पे पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे परांठे बनते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं सर्व करती जाऊंगी। आलू के परांठे के लिए बहुत ही कॉमन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन अगर मैं शेयर नहीं करूंगी तो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट ज़रूर आएंगे कि आपने रेसिपी शेयर नहीं की। तो मैश किए हुए आलू, साथ ही प्याज, हरी मिर्च और डाल दिया है अदरक कटा हुआ, साथ ही जीरा और अजवाइन डाली है, सॉल्ट डाला है, जीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, साथ ही हरा धनिया डाला है। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका परांठा मिक्सचर रेडी हो गया है। और पराठा खाने के लिए चॉइस आपकी अपनी है कि आपने बटर लेना है कि साथ में दही लेना है। दही में थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है मैंने, साथ ही जीरा पाउडर और सॉल्ट डाल दिया है, तो बस पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है। संडे को मीठा जरूर बनता है तो मीठे में सेवियां की खीर बना रही हूँ। आप सब लोग भी जरूर बनाते होंगे लेकिन फिर भी मुझे शेयर करना पड़ेगा। देसी घी डाला है मैंने 1 सर्विंग स्पून और साथ ही डाल दी है वर्मिसिल। इसको पहले मैं रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने के लिए आपको मीडियम फ्लेम रखना होगा और मीडियम फ्लेम पर आपको 5 से 6 मिनट तक इसको रोस्ट करना है। कच्ची नहीं रहनी चाहिए वर्मिसिल। उसके बाद साथ ही कई लोग बॉयल किया हुआ मिल्क डाल देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी पहले इसमें ऐड करूंगी। पानी इसलिए ऐड कर रही हूं ताकि ये अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। कई बार हम दूध डालते हैं तो सेमियां अच्छे से गल नहीं पाती हैं। पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी और उसके बाद आप देखेंगे कि जब इसका पानी सूख जाएगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी होंगी और अच्छे से फूल चुकी होंगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गर्म किया हुआ दूध। जितनी पतली सेमियां चाहिए उतना दूध आप ऐड कर सकते हैं, पर दूध थोड़ा सा ज्यादा डालना चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा देर दूध बॉयल होता रहेगा उतना टेस्ट अच्छा आएगा। उसके बाद टेस्ट के लिए डाल देंगे इसमें इलायची का पाउडर, साथ ही चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। इसको 8 से 10 मिनट पकने दें और बस सेमियां रेडी हो जाएंगी। आज मेरा और जैस्मिन का भी इंटरमीडियंट फास्टिंग से ब्रेक होता है। 6 डेज करते हैं हम इंटरमीडियंट फास्टिंग और एक दिन हम लेते हैं चीट मील, एक दिन पूरी फैमिली के साथ बैठ के हम खाना खाते हैं। तो आज है संडे तो हम दोनों ने संडे का ही डेट डिसाइड किया था। रोज की तरह मील तो आज भी 3 ही होंगे लेकिन आज टाइम बाउंडेशन नहीं होगा। सबसे बड़ी चीटर आपके सामने बैठी है, ये टेस्टी टेस्टी खाने बनाती है, बच्चे और ये सारे घर के मेंबर इसको खाते हैं। खुद खाती नहीं है। मैं खाती नहीं हूँ, वो तो पेट करके खाने वाले लोग हैं। जो टेस्टी है अंदर डाल दो। ये तो बनाने वाले को सोचना चाहिए भी इस ढंग से बनाओ। वाह भैया वाह, है कि नहीं? मतलब मुझे टेस्टी खाना नहीं बनाना चाहिए है? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो ये भी ब्लेम मुझ पे। अब बनाओ तो खुद भी खाओ। ये भी ब्लेम मुझ पे। जब टेस्टी खाना होगा और बंदा उसको खाएगा तो थोड़ा ज्यादा खाएगा, ऐसे ज्यादा खाएगा तो फंस गया। मैं क्यों नहीं खाती ज्यादा? तो चिढ़ रहा है। ज्यादा नॉर्मल अमाउंट में नहीं खाता है आप तो। अब इनके पेट भरने का ब्लेम भी मुझ पे है कि इनके पेट ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि मैं खाना टेस्टी बनाती हूँ, इसलिए नहीं है कि ये खाना ज्यादा खाते हैं। खाना बनाना किसी और के कंट्रोल में हो सकता है लेकिन खाना खाना खुद के कंट्रोल में ही होता है। कितना खाना है वो आपका पेट आपको बताता है। अपनी प्रीवियस वीडियो इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे, लेकिन भी एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है कि फास्टिंग के दौरान हम क्या खा सकते हैं। तो गाइज, फास्टिंग जो आपने 16 आवर्स की फास्टिंग करनी है उसमें आपको खाना कुछ भी नहीं है। आप प्लेन वाटर ले सकते हैं, जितना आप चाहें उतना पानी ज़्यादा पिए,
लेमन वाटर ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ही हैं जो मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। बाकी कुछ लोग पूछते हैं कि लो फील होता है, अगर आपको लो फील होता है तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, हाफ कप विदाउट शुगर, दैट्स इट। इसके अलावा आप कोई मिल्क टी नहीं ले सकते, आलमंड्स नहीं ले सकते, मतलब कोई ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, कुछ फ्रूट नहीं ले सकते। आपको फास्टिंग करनी है तो उसमें सिर्फ लिक्विड ले सकते हैं, पानी, लेमन वाटर एंड ग्रीन टी, दैट्स इट। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरा नो वर्कआउट डे है, तो वो टाइम तो मैंने सेव किया ही है। साथ ही सिर्फ मैंने किचन और डाइनिंग एरिया क्लीन किया, क्योंकि आज मुझे खुद को पैम्पर करने का मूड है। मेरी कुछ क्रीम्स ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि मसाज क्रीम। डेली शावर लेने से पहले 2-3 मिनट में अपने फेस की मसाज जरूर करती हूँ, लेकिन क्योंकि क्रीम ख़त्म हो गई है तो मैंने सोचा कि आज होममेड चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाए। तो पहले मैंने टमाटर को कट करके उसके साथ अपने फेस पर मसाज की, क्योंकि वो क्लिंजर का काम करता है। और उसके बाद हमें स्क्रबर चाहिए, स्क्रबर के लिए उसी के ऊपर आप ब्राउन शुगर या फिर वाइट शुगर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आप लगा के उसके साथ स्क्रब कीजिए, आपकी फेस की पूरी मैल उतर जाएगी। और टोमेटो बहुत ही अच्छे क्लिंजर का काम करता है, और बहुत ज़्यादा देर तक अपने फेस की मसाज करने की जरूरत नहीं होती है। क्लिंजर हो, स्क्रबर हो या फिर फेस मसाज क्रीम हो, सबके साथ आप 2-2 मिनट तक अपने फेस की मसाज कीजिए, वो इनफ होगा। और इनके साथ आप अपने हैंड्स और आर्म्स को भी क्लीन कर सकते हैं। अब बनाएंगे हम मसाज क्रीम। तो मैं बना रही हूँ पपाया मसाज क्रीम। के लिए छोटा सा पीस मैंने पपाया का लिया है, उसको ग्राइंडर जार में डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी एलोवेरा जेल, साथ ही डाला है थोड़ा सा हनी, ऑलिव ऑयल। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाज क्रीम तैयार हो जाएगी। इस मसाज क्रीम के साथ अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। तो पहले मैंने जो टमाटर के साथ मसाज की थी उसे एज इट इज़ मैंने अपने फेस पे छोड़ दिया था। तो मसाज क्रीम लगाने से पहले मैंने उसको वॉश किया, उसके बाद मसाज क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद मैंने मसाज करना शुरू किया। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, पपाया क्रीम, कोकम्बर क्रीम, एलोवेरा क्रीम, उन सब में एसेंस मिले होते हैं और साथ ही मिला होता है केमिकल। लेकिन उसकी बजाय अगर हम अपने किचन में देखें तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कि हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल हैं। अगर हम उनका इस्तेमाल अपनी स्किन पे करें तो इसके रिजल्ट्स अमेजिंग रहेंगे और साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं। तो फेस पे मैंने मसाज क्रीम लगी हुई छोड़ दी है, लेकिन अपने हैंड्स और आर्म्स को मैंने क्लीन कर दिया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ रिजल्ट। आप देखिए कितने क्लीन लग रहे हैं मेरे हैंड्स और बहुत ही ग्लो भी नजर आ रहा है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब बना लेते हैं मास्क। कॉफी से बनाऊंगी मैं ये मास्क। 1 चम्मच मैंने कॉफी लिया है और 1 चम्मच दही का डाला है। उन दोनों को मिक्स करके मैंने पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। लेकिन उसके पहले मैं लूंगी स्टीम, क्योंकि स्टीम लेने से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिससे इजीली ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। इसके बाद लगा लेना है कॉफ़ी फेस मास्क। इसे अपने फेस पे ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हैं आप। अप्लाई करने के बाद इसको 10 मिनट सूखने देना है। 10 मिनट फ्री बैठने के बजाय अच्छा है कि अपने किसी और बॉडी पार्ट को क्लीन कर लिया जाए। और मैं करूंगी अपने पैरों की सफाई, पेडिक्योर भी कह सकते हैं आप। और कोई भी सामान मैंने ऐसा नहीं लिया है जो आपकी किचन में ना हो। टब में गर्म पानी लेना है, उसमें डाल देना है 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच ही बेकिंग सोडा। साथ ही डाल देना है 1 नींबू का रस और 10 मिनट पैरों को इसमें डिप करके रखें। हल्का सा आप रब कर सकते हैं स्क्रबर से और बस हो गया आपका पेडिक्योर। टी टाइम को अभी 1 घंटा बाकी है। मैं और मम्मा वापस किचन में। मम्मा बना रहे हैं देसी घी, जो कि हम कभी भी मार्केट से लेके नहीं आते। दूध से जो मलाई निकलती है 8 से 10 दिन तक हम स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद घर पे ही उसका घी बनाते हैं। और मुझे आप देख रहे हैं परांठे सेकते हुए। उदय को बहुत भूख लग गई है तो उसे अजवाइन वाले परांठे खाने हैं, तो उसके लिए मैं अजवाइन वाले परांठे बना रही हूँ। उदय, तो उदय का टी टाइम तो 3:30 के अराउंड ही ओवर हो गया, और हमारे घर में टी टाइम पे परांठे सिर्फ उदय खा सकता है। जैस्मिन इज स्टिल चैटिंग। मम्मा, जाओ यार। नहीं जाना, मैं यहाँ पे जैस्मिन की बातें सुनने आई हूँ। क्या बाय मम्मा, क्या बात कर रहे हो आप? आप किसके साथ बात कर रहे हो? What the hell, मम्मा? What kind of shit talk is that? जाओ मम्मी। नहीं जाना। How will you? नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हें टीज करने में मजा आता है। संतन, तुम्हारा बर्थडे कैसे रहा? बना बना के खाया ना। और इस बार तुम्हें रेडीमेड कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी ये लेसन मिल गया है कि अपने हाथ से बनाई हुई चीजें भी अच्छी बनती हैं। हाँ जी, हाँ
पे आपको ये चीज भी रियलाइज हुई कि आपकी जो मम्माज होती हैं वो पूरा दिन कितना बिजी रहती हैं खाना बनाने में, और जिनके वर्क को हम लोग बोलते हैं कि मम्मा सारा दिन करते क्या हैं। सो गर्ल्स सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यू कैन कैरी ऑन। जो मजा आया जैस्मिन को टीज करके, बाय बाय। और मम्मा बेचारे अभी तक घी बना रहे हैं, और ये ड्यूटी हमेशा मम्मा की ही होती है। मैं घी सिर्फ उनकी एब्सेंस में ही बनाती हूँ। कुलदीप जी अपने ऑफिस का कुछ काम खत्म कर रहे हैं, तब तक हम चाय की तैयारी कर लेते हैं। टी टाइम के लिए बना रही हूँ मैं आज वेजिटेबल सैंडविचेस, हेल्दी सैंडविचेस हैं। उसके लिए वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी की डाल सकते हैं। मैंने कैप्सिकम ली है जिसे बारीक बारीक काट लिया है। तो घी यहाँ पे रेडी हो गया है और मम्मा फ्री हो गए हैं। फ्री होके मम्मा को न्यूज़ सुननी होती है, क्योंकि हर घंटे के बाद उन्हें अपडेट्स चाहिए। और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है बारीक बारीक, गाजर को मैंने काटा नहीं है, उसे क्रश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ग्रीन चटनी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये सैंडविचेस ग्रीन चटनी के साथ। कोई और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रीन चटनी डाल, और उसके साथ ही हम डाल देंगे चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर, डाल देंगे वेजिटेबल मिक्सचर, दोनों स्लाइसेस को बंद कर देंगे, तवे के ऊपर बटर लगा के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। क्रिस्पी कर लें तो सैंडविचेस खाने में थोड़े और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गार्डन में घास काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि काफी दिन से उसकी कटिंग नहीं हुई थी, इसी वजह से कोई गार्डन में बैठ भी नहीं रहा था। लेकिन जैसा कि आज ही हमने इसकी कटिंग करवाई थी, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ग्रीनरी में फैमिली के साथ चाय कॉफी पीने का मजा ही अलग होता है। उदय को सैंडविचेस बिल्कुल नहीं खाने थे, इसलिए उसने अजवाइन के परांठे मुझसे बनवाए थे। लेकिन अभी सैंडविचेस देखकर, क्योंकि सबने कहा कि बहुत टेस्टी बने हैं, तो उसका भी मन हो आया और उसने मेरी चाय भी ले ली। और सभी का मन था कि सैंडविचेस और मिल जाते तो अच्छा था, तो मुझे दोबारा जाना पड़ा किचन में। तो वेजिटेबल मिक्सचर मेरे पास रेडी था, फट से मैंने कुछ और सैंडविचेस बना दिए। जितने भी फैमिली व्लॉग्स हम लोग आजकल अपलोड कर रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक हैं, क्योंकि पूरी फैमिली टी टाइम पे इस वक्त साथ है, और ये मौका हमें लॉकडाउन ने दिया। लॉकडाउन के बाद शायद ही कभी देखने को मिले, क्योंकि हस्बैंड मोस्टली इस टाइम ऑफिस में होते हैं और बच्चे अपनी रूटीन में बिजी। आजकल टीवी पे भी कुछ नया नहीं आ रहा है, वीकेंड पे हम एक दो मूवीज देखते हैं, तो मूवी भी कोई ऐसी नहीं आ रही है जो हमने पहले ना देखी हो। इसीलिए माइंड को रिफ्रेश करने के लिए अगर कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो क्या देखें, जैसे मैंने बच्चों से डिस्कस किया था, मुझे भी अपनी नेटफ्लिक्स आईडी दे दे, मुझे भी कोई प्रोग्राम रिकमेंड करें जिसको मैं फ्री टाइम में देख सकूं। तो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे वैम्पायर डायरी सजेस्ट किया था, उसी की वेब सीरीज मैं फॉलो कर रही हूं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उदय को सस्पेंस ब्रेक करने में बहुत मजा आता है, और मैं और जैस्मिन उसे वही करने के लिए मना कर रहे थे। बस पीट करके खड़ा हो जाया कर मेरे पास ना, कि बस खारिश करो, वेले हैं हम। उसको लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में कुछ है। इग्नोरेंट ऑफ यू यार। या टेल मी, कुलदीप मतलब दीप, सिंबल ऑफ लाइट, उनका दीपक बोलते हैं ना इसमें। आपका सन से कनेक्ट हो गया, उदय कनेक्ट हो गया, राइजिंग सन, रोशनी देवी, मम्मा भी, हाँ रोशनी देवी, फ्लावर से तो नेचर से कनेक्ट हो गया। हम पांच मेंबर जो घर, हमारे नाम जो है वो नेचर से कनेक्टेड है। तुम चाहते क्या हो? लॉकडाउन ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया आई थिंक। इतनी हेल्प मत कीजिए सर, हमें आदत हो जाएगी आपकी हेल्प की। दोबारा ऑफिस जाना मुझे बहुत तकलीफ देगा। ये हाउस हस्बैंड बन जाओ। साथ ही तैयारी शुरू हो जाती है डिनर की। आलू मटर बना रही हूँ मैं, कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ इसकी, बस ड्राई मसाले, पाउडर मसाले और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सबको एक साथ रोस्ट करके मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसमें डाल दिया हुए आलू और मटर, सब पानी डाल देंगे। एक विसल आने के बाद 3-4 मिनट और पकाना है, और बस आलू मटर रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे हो रही है एनर्जीज को बर्न करने की तैयारी। बास्केटबॉल खेला जा रहा है, खैर बास्केटबॉल तो 3 लोग नहीं खेल सकते हैं, लेकिन बास्केट्स की जा सकती है।
आलू मटर की सब्जी के साथ कुछ फ्राइड राइस बना रही हूँ। उसके लिए पैन में देसी घी डाला है, साथ ही जीरा डाला है, लहसुन डाला है कटा हुआ, जूलियंस में कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, गाजर, शिमला मिर्च, सोया चंक्स और मटर डाले हैं। अब इनको थोड़ा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी मैंने डाल दी थी, सोया सॉस डाल देंगे, ब्लैक पेपर डाल देंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप सब भी इसके बारे में जानते होंगे। और राइस मैंने पहले से बॉयल करके रखे हैं, तो इनको भी सब्जियों में डाल देंगे और बस फ्राइड राइस हमारे रेडी हो जाएंगे। कई बार चावल घर में बच जाते हैं जिनको वैसे भी कोई खाना नहीं चाहता, तो इस तरह से अगर फ्राइड राइस हम बना लेते हैं राइस यूज़ हो जाते हैं। और सैलड में मैंने कुछ खास नहीं काटा है आज, सिर्फ खीरा काटा है और साथ में ग्रीन चिली और सॉल्ट का पेस्ट रखा है। बहुत टेस्टी लगते हैं, इसके साथ अगर हम खीरा खाएं तो बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। ग्रीन चिली डालनी है ग्राइंडर में और सॉल्ट डालना है, बस दोनों को मिक्स करके तो फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। उदय अपने लिए खाना सर्व कर रहा है और कुलदीप जी मम्मा को फनी वीडियोस दिखा रहे हैं, जिन्हें देख के मम्मा काफी खुश हो रहे हैं। स्पेशली पंजाबी मूवीज, पंजाबी सॉन्ग्स और पंजाबी वीडियोस मम्मा को बहुत अच्छी लगती हैं। लास्ट जॉब ऑफ द डे, डिशेज क्लीनिंग एंड किचन क्लीनिंग। कई बार हम इतना थक जाते हैं कि ये वाला पार्ट छोड़ने का मन करता है कि चलो छोड़ो सुबह कर लेंगे, लेकिन जब हम फिर सुबह की ड्यूटीज इमेजिन करते हैं तो फिर ध्यान आता है कि नहीं, अभी के अभी इस काम को खत्म करो। सुबह के लिए पेंडिंग करने का मतलब होगा अपने बर्डन को और बढ़ाना। और सुबह की शुरुआत जब क्लीन किचन के साथ होती है तो लगता है कि दिन पॉजिटिविटी के साथ शुरू हुआ है, अदरवाइज सुबह उठते ही डर्टी डिशेज को देखने से नेगेटिविटी फील होती है। गुलाब की पंखड़ियों को धोने के बाद मम्मा ने इन्हें सुखा लिया था, लेकिन धूप में नहीं सुखाया। आप इन्हें अंदर ही किसी पतले कपड़े में बांध के सुखा लें और उसके बाद इसे क्रश करना है शुगर के साथ। शुगर और हनी दोनों चीज़ें इसमें ऐड की हैं और उसे अपने हाथों से अच्छे से मसल लेना है। अगर इस तरह से मसल लेंगे तो गुलकंद जल्दी रेडी हो जाता है। उसके बाद किसी ग्लास जार में इसे फिल कर लेना है और 5 to 6 days इसे धूप में रखना है और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर गुलकंद रेडी हो जाएगा। और सोने से पहले टीथ को क्लीन करना और अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना, कितना भी थक गए हों पर ये ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।